Good morning, my dear students. In this video, today I am going to solve the extract of the chapter Two Stories About Fly. Second part of this story, a black aeroplane. I am going to discuss the extracts of this story with you. Okay, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Okay, just a minute. No. This is another extract. Yeah. This one. The moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे चंद्रमा निकल रहा था पूर्व की तरफ से. And stars were shining in the clear sky above me. आसमान में जो तारे थे वो चमक रहे थे. There was not a cloud in the sky. बादल साफ था, कोई बादल वो आसमान साफ था, कोई बादल नहीं थे. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं बहुत खुश था, अकेला उड़ रहा था अपने एरोप्लेन में जो कंट्री साइड नीचे जो थी उसके ऊपर जो एरिया फील्ड एरिया जो होता है उधर ऊपर उड़ रहा था मैं. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं फ्रांस से इंग्लैंड के लिए वापस लौट रहा था अपने एरोप्लेन में. Name of the aeroplane was old Dakota. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं छुट्टी का सपना देख रहा था, सोच रहा था और मैं अपने परिवार के साथ अभी जाऊंगा, छुट्टी बिताऊंगा आज, वो मैं सोच रहा था. I looked at my watch. मैंने घड़ी देखी. 1:30 in the morning. सुबह के 1:30 बज गए थे. I should call Paris control soon. मुझे Paris control में call करनी चाहिए, मैंने सोचा control room में. As I looked down past the nose of the aeroplane, जैसे मैंने ऊपर से अपने aeroplane को देखा उड़ते हुए, उसके आगे नोक को किधर उड़ रहा है, मैंने सोचा Paris में control room में संपर्क करूँ मैं. I saw the lights of big city in front of me. मैंने देखा मेरे सामने बहुत बड़े शहर की lights चमक रही थी. Who does I refer to? This chapter has been explained by me already. We have gone through the entire chapter, so I'm not going to discuss the incident. Actually, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो उड़ रहा है, वापस इंग्लैंड जा रहा है, आसमान में है, तब की ये बात कह रहा, अपना पुराना वो जहाज उड़ा रहा था ओल्ड डकोटा उसमें. और बहुत जल्दी में था, कब मैं इंग्लैंड पहुंचूं अपने परिवार के साथ, छुट्टी बिताऊं और बड़ा सा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूं जाके. ही वाज इन हेस्ट रीचिंग देयर. हु डज आई रेफर टू? आई द नरेटर, पेरिस कंट्रोल, द स्ट्रीट पायलट, स्ट्रेंज पायलट, द वूमेन. तो ऑब्वियसली नरेटर. ओके, नरेट के लिए आई आया है. वेयर डिड द नरेटर्स फैमिली लिव? कहाँ रहती थी? फ्रांस में, पेरिस में, इंग्लैंड में? द कंट्री साइड, तो इंग्लैंड में. ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस. पेरिस से इंग्लैंड जा रहा, तो इंग्लैंड में रहती थी उसकी फैमिली. ओके, दिस द आंसर. नेक्स्ट, द नरेटर वॉज फ्लाइंग थ्रू. कहाँ से उड़ रहा था? यू कुड से राइट
the narrator was flying over France back to England. Okay? The phrase "in the clear sky" here means there were no clouds in the sky. It was clear. कोई भी क्लाउड्स नहीं थे उसमें, साफ आसमान था, उड़ने के लिए बिल्कुल जो है उचित, सोफिस्टिकेटेड स्काई इट वॉज फॉर फ्लाइंग. नेक्स्ट, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट, मैंने सोचा कि वो जानता है मैं खो गया हूं. He is trying to help me. There was a pilot of second aeroplane, black aeroplane, who saved the life of the pilot, the narrator. About that pilot we are talking about here. उस pilot की बात कर रहा हूँ जो उसको बचाने के लिए आया था जब ये फंस गया था, खो गया था आसमान में, storm में. Okay? He is trying to help me. मेरी कोशिश कर रहा था मुझे हेल्प करने की. He turned his aeroplane slowly to the north की तरफ, धीरे से अपना एरोप्लेन उसने मुड़ाया. In front of my Dakota, मेरे Dakota के सामने जहाज के, हवाई जहाज के, so that it would be easier for me to follow him. मैं इसको follow करूँ, पीछे पीछे उसके चलूँ. I was happy to go behind the strange aeroplane. मैं खुश था उसके पीछे जाने के लिए. Like an obedient child, जैसे एक बच्चा होता ना आज्ञाकारी, वैसे ही मैं उसके पीछे चल दिया कि ये मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं बच जाऊंगा. After half an hour of the strange black aeroplane was still there in front of me, आधे घंटे बाद भी मेरे सामने था, in the clouds, बादलों में. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes. इतना ही वो था फ्यूल के 5-10 मिनट में ज़्यादा उड़ सकता था, इतना ईंधन बचा हुआ था उसमें टैंक में, सेकंड टैंक में वो भी. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो फ्यूल खत्म हो जाए. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी मैंने देखा वो नीचे को जाने लगा अगला एरोप्लेन वाला. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं भी तूफान से निकल के उसका पीछा, तूफान से होकर उसका पीछे पीछे चलने लगा नीचे की तरफ. एक्चुअली ही वाज लॉस्ट इन स्टॉर्म, ही वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन. Okay, suddenly he was stuck in the storm. Who does he refer to? He किसके लिए आया? The narrator, the strange pilot, the woman, the black aeroplane. He strange pilot के लिए आया जो दूसरा वो चला रहा था हवाई जहाज. Where did the strange aeroplane fly? कहाँ उड़ रहा था? Behind the narrator, उसके पीछे आया था. Beside the narrator, साथ में. In front of the narrator, down the narrator. तो अभी तो आपका इसमें आप कह सकते हैं कि बिसाइड नरेटर, उसके साथ साथ वो प्लेन आके उड़ने लगा था. ओके, यू ऑल्सो कैन से दैट नो, सामने भी उसके उड़ने लगा था और जो है अभी इसमें ये भी दे रहे हैं इन फ्रंट ऑफ माय डोकेटा. ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं, बट बिसाइड भी कहेंगे कि उसके बराबर में सबसे पहले वो आया था. ठीक है, या ये भी आप कर देंगे इसको कि इन फ्रंट ऑफ द नरेटर, तब भी आपको आंसर में मार्क्स मिलेंगे इसमें. द फ्रेश टू फील फ्राइटेंड एयर मीन्स, तो व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, ही वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, देन ही फेल इनटू यू नो फ्राइटेंड, तब उसको डर लग गया कि मैं खो जाऊंगा, मेरा क्या होगा. नेक्स्ट, द नरेटर एज ए ह्यूमन बींग वॉज, कैसा था वो? द नरेटर एज ए ह्यूमन बींग वॉज ऑफ एक्चुअली टिमिड नेचर. एक नेचर होता है व्हेन यू आर स्टक इन द डेंजर, व्हेन यू आर अलोन टू फेस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, देन यू बिकम फ्राइटेंड, तब आप डर जाते हैं. तो वैसे ही ये भी डर गया था. ओके, ही वॉज फॉलोइंग
द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट चाइल्ड होने की वजह से उसका पीछा वैसे ही करने लगा कि मैं बचूंगा तो यही बचा के ले जाएगा मुझे। नेक्स्ट, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डोकेटा नियर द कंट्रोल टॉवर। मैं नीचे उतरा और पुराने डोकोटा से निकल कर मैं कंट्रोल टॉवर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन, मैं वहाँ पे गया कंट्रोल पैनल में टॉवर में, एंड आई आस्क्ड द वुमेन, मैंने पूछा इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था इस टाइम, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था जो मेरे साथ साथ एरोप्लेन अब मेरे आगे उड़ा रहा था। आई वॉन्टेड टू से, मैं थैंक यू कहना चाहता था उस पायलट को, बिकॉज ही सेव्ड माई लाइफ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस औरत ने मुझे देखा बहुत अजीब तरीके से, एंड लाफ्ड, हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में आपको दिख गया दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन बर फ्लाइंग टू नाइट, आज आपके अलावा तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं ऊपर। Yours was the only one I could see on the radar. आपका ही पहला एक था जो मैं रेडार पर देख रहा था, केवल आपका, only yours plane has been detected on radar, nothing else, another one, दूसरा कोई नहीं आया आपका ही दिखा में, कोई नहीं था वहाँ पर। So who helped me to arrive? I was stunned, I was surprised to think who the pilot was who helped me. That helped me. वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की? I was shocked when she told there was nobody, none plane rather than you know me except my own. मेरे खुद के प्लेन के अलावा तो वहां पे कोई था ही नहीं। Safely there, safely without a compass of radio. बिना कंपास और रेडियो को जो मुझे सेफली लैंड करा लाया जिसने मेरी हेल्प की, हु वाज ही? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में तो फ्यूल भी नहीं उतना था जो मैं नीचे तक आ जाता, तो ऐसा कौन था जिसने हेल्प करके मुझे यहाँ तक लाया? कौन था ब्लैक एरोप्लेन भाई? वो बात द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन में? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, बिना लाइट्स के उड़ रहा था तूफान में, कौन था? तो इट वॉज अ मिस्ट्री एक्चुअली फॉर हिम व्हेन लेडी टोल्ड दैट देयर वॉज नन अदर यू नो एरोप्लेन। विच कंट्रोल सेंटर इज रेफर टू? पेरिस, लंडन, न्यूयॉर्क और बर्न, कौन सा कंट्रोल सेंटर की यहां पे बात की गई? ओके, कुछ कंट्रोल पेन सेंटर की बात हो रही है यहां पर, पेरिस, लंडन, न्यूयॉर्क, बर्न। He is talking about Paris control room, okay? जहाँ पे उतर के उसने पूछा था आके, What was the Doketa? क्या था Doketa? Dakota? It was car? Was it car? Car थी, helicopter था, aeroplane था, ship था, तो it was an aeroplane, okay? As you have read in this chapter, the narrator felt obliged to, narrator felt obliged to the pilot of the black aeroplane who saved his life, whom he followed like a infant child, obedient child, okay? She was thankful to him who saved his life. The phrase up there here means up there. This is, let us see where is up there. I want to boom in control room pilot. I want to thank you. Up there in the storm. Means in the sky when he was stuck in the storm. जब वो फंस गया था उस तूफान में ऊपर आसमान में तब की बात कर रहा है. Okay? It means up there in the sky when he was stuck in the storm and was not able to see anything outside the plane. He was lost in the storm. तब की ये बात हो रही है. Okay?
So my dear students, solve these extract and note them down in your English notebook. And after completing my work, you are supposed to send its pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. Regularly, you are supposed to keep your work completed. Okay? This is your home assignment. These extract must be there in your English notebook. Okay? ये आपका होम वर्क भी है, होम असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, ये कंप्लीट करिएगा, ठीक है? और मुझे इसकी एक फ़ोटो भेज दीजिए तो मैं चेक करके आपको इसको आंसर दे दूँ. ओके, द अदर क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव यू नो यू कुड सॉल्व इन योर ओन लैंग्वेज, नॉट एज आई टोल्ड यू. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.